पुलकित गुप्ता। भैया रात को कोई 1:30 बजे का टाइम था, तो थोड़ी आवाज़ आ रही थी शटर की ये वो, तो फिर जब देखा तो 2 बंदे लगे ऐसे देखने में। फिर जब हमने थोड़ा सा शोर शोर हुआ तो वो भागे थोड़ा, जब हम भी थोड़ा पीछे गए तो शाल शूल उनका गिर गया, यहाँ पर शाल उनका गिर गया था और जो उन्होंने लपेटा हुआ था तरपाल ये वो भी रह गई। तो फिर जब हमने ऐसे नज़र मारी तो एक साइड से शटर टूटा हुआ था, तो उधर से बड़े अंदर मतलब उधर से अंदर आ गए तो कैश ड्रॉअर तोड़ा, तो उधर से कैश कोई थी 6-7 हज़ार के करीब करीब कैश रखी थी, वो ले गए। बाकी जब CCTV में शो नहीं हो रहा, शक्ल आ नहीं रही है क्योंकि उन्होंने फेस कवर किया हुआ था, तो बाहर वाले CCTV में भी वो पूरा वो मैट शैट लगा के मुँह पूरा कवर किया हुआ था, उसमें आ नहीं रही शक्ल, नहीं पता चल रही, पहचान में नहीं आ रहा। तो पुलिस को हमने 2 बजे के करीब करीब पुलिस को इन्फॉर्म किया, 2:30 बजे आई पुलिस तो सारी रिपोर्ट उनको दी, कि वो रिपोर्टिंग उन्होंने की तो साथ। आपका नाम? मेरा नाम सदाकत अली मीर है, तो ये मेरी डुंगस के पास राधे श्याम मंदिर के पास मेरी दुकान है, सिटी जनरल स्टोर। तो आज सुबह मुझे इस मोहल्ले से फ़ोन आ रहा है कि आपकी दुकान पे दुकान के ताले टूटे हुए हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ पे देखता हूँ कि ताले टूटे हुए हैं, दुकान में चोरी हुई है। तो कल ही मैंने भाई को बोला था ATM से कैश निकाल के लाना और आरती को देने, लगभग उसने 40,000 कैश ATM से निकाली थी प्लस 10,000 उसके पास पड़ा था, तो लगभग चोरी 80,000 रुपये की हुई है प्लस 20,000 का सामान दुकान से गया, चॉकलेट प्लस ये अपने सिगरेट शिगरेट वगैरह। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको चोरों को पकड़ा जाए और ये मेरी रिकवरी कराई जाए। किसी पे शक नहीं, अब जो है पुलिस ही करेगी। पुलिस आई थी, पुलिस ने यहाँ से ताले जो थे दुकान के टूटे हुए वो सीज किए, उसके बाद फुटेज यहाँ की लेके चले गए वो।